फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रश्मि आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। सो आज का जो वीडियो है वो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है, जो कि फेशियल किट के ऊपर रहेगा। एंड अभी बहुत सारे फेस्टिव सीज़न आने वाले हैं, दिवाली, दुर्गा पूजा, करवा चौथ, तो हम सबको ग्लोइंग स्किन चाहिए। सो उसके लिए मैंने आज लिया है गोल्ड रेडियंस फेशियल किट, जो कि खादी की तरफ से है। सो इसका मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं किया, मैं आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। एंड ये एक मिनी पैक है, सो देखते हैं इसमें कितना कुछ होने वाला है। सो ये है प्राइस 349 रुपीज़ का। एंड मैंने मिंत्रा से लिया था तो मुझे कुछ डिस्काउंट ही मिला था, एंड इसलिए मुझे 299 में पड़ा था। सो आइए अभी इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। ये पूरा ऐसे हो चुका है, बट इसमें 5 स्टेप्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे हैं बॉक्स, इसमें 5 स्टेप्स रहेगा। एंड मैं अभी अभी अनपैकिंग बाकी है। सो इसमें ऐसे लिखा भी आपको, स्टेप 5 है ये फेस मास्क, ये स्टेप 4 है जेल। वाओ, इस बहुत अच्छी बात है, इसमें सारे में लिखा है ना जो 1, 2, 3, 4। सो कभी लाइक होता है जब हमारे पास इसका किट कुछ नहीं रहेगा तो भी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा पहले क्या लगाना है, बिकॉज हमेशा हम लोग बॉक्स संभाल के रखते नहीं हैं। एंड बहुत ही क्यूट से बॉक्सेस में आया है, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इसके, एंड ये कांच के बॉक्सेस हैं। सो आप अगर चाहे तो आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। एंड इसके अंदर भी कोई भी ऐसा अंदर लिखा नहीं है, पर हाँ ये सब बाहर सब कुछ मेंशन किया गया है। सो फेशियल स्टार्ट करने से पहले आप अपने हेयर को बन में बना लीजिए एंड अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के लिए मैंने टॉवल में गुनगुना पानी लिया है, नोसी से मैंने अपने चेहरे को क्लीन किया। उसके बाद अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो है गोल्ड जेल क्लींजर, एंड ये काफ़ी क्रीमी रहता है। देखिए टेक्सचर इसका बहुत अच्छा है, लगाने में बहुत ईजी है। जैसे जैसे आप लगाएंगे वैसे वैसे स्किन में एब्जॉर्ब होता जाएगा, इसलिए आप थोड़े थोड़े पानी या रोज़ वाटर से लगाते जाइए। लास्ट में इसको अच्छे से पानी से आप पोंछ लीजिए, एंड देखिए कितना ज़्यादा डस्ट निकला। सो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है गोल्ड जेल स्क्रब, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे फेशियल का। सो इससे हमारे जो ब्लैक हेड्स रहते हैं, वाइट हेड्स रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं, जो अंदर से डर्ट भी रहता है वो सब भी निकल जाता है। सो ये देखिए कितना प्यारा कलर है ये, एंड इसके अंदर पूरे पार्टिकल्स भी है कुछ गोल्ड टाइप का, एंड इसकी स्मेल भी बहुत अच्छा है। सो आइए इसको लगाते हैं हम चेहरे पे। सो जैसे ही मैंने लगाया मेरे आईज़ बर्न होने लगे, एंड डायरेक्शन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि आईज़ के आसपास नहीं लगाना है, बट मैंने काफ़ी दूर लगाया था फिर भी आँख से एकदम आंसू निकल आए। एंड इसको भी आपको 10 से 15 मिनट तक मसाज करना है, एंड फेशियल में जितना आप अच्छे से मसाज करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। सो 10 मिनट हो चुके मसाज के, एंड अभी हमें इसको गर्म पानी से टॉवल भिगा के हमें पोंछ लेना है। तो आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है वो गोल्ड मसाज क्रीम है, एंड ऑलरेडी अभी हमने 15 मिनट का मसाज कर लिया है, एंड इसको भी हमें 10 मिनट तक मसाज करना है। एंड ये फेस और अपने नेक पे ज़रूर लगा लीजिए। क्रीम काफ़ी थिक है और मैंने कुछ ज़्यादा ही अप्लाई कर लिया, आप थोड़ा सा कम लीजिए। एंड अच्छे से इससे मसाज करिए अपने स्किन को, ये काफ़ी थिक है तो आपके स्किन को एब्जॉर्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप तब तक मसाज करते रहिए जब तक ये क्रीम पूरे आपके चेहरे में अच्छे से एब्जॉर्व ना हो जाए। देखिए कुछ गोल्डन गोल्डन पैचेस जैसे दिख रहे हैं अभी भी, सो इसलिए मैं अभी और करूँगी मसाज। मसाज करने के बाद आप कॉटन से इसे पोंछ सकती हैं। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है गोल्ड फेशियल जेल। जब चेहरे पे लगाया है तो थोड़ा थोड़ा आईज़ में बर्निंग होना स्टार्ट हो गया, सो इसको भी आप आँखों से बहुत दूर ही होके लगाइए। ये भी काफ़ी थिक था, सो अब इसको भी हम 5 मिनट के लिए मसाज करेंगे। इससे आईज काफ़ी जलने लगे तो मैं आईज़ क्लोज करके ही रखी थी, एंड 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको वाइप कर लेंगे अच्छे से। एंड अब जो आएगा हमारा बेस्ट पार्ट आएगा, जो लास्ट
है गोल्ड फेशियल मास्क। इसको लगाना काफ़ी इजी है एंड लगा के आप थोड़ी देर रिलैक्स करिए अच्छे से जब तक ये पूरा सूख ना जाए 10-15 मिनट। ये पूरा एक क्ले मास्क जैसा है, इसका खुशबू भी बहुत ही अच्छा है एंड काफ़ी अच्छे से ये लग जाता है फिंगर्स के हेल्प से ही। पूरे अच्छे से अपने पूरे चेहरे में और नेक एरिया में लगा लीजिए एंड फिर आप 10 मिनट तक वेट करिए, सूखने के बाद आप इसको पोछिएगा। एंड अब पूरा सूख चुका है तो मैंने धो लिया है अच्छे से एंड आप देख सकते हैं चेहरे पे सच में एक लाइट आ गया है, स्किन भी काफ़ी ग्लो कर रहा है। सो मैं अभी थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा ली हूँ, काजल लगा ली हूँ एंड आप देख सकते हैं चेहरा कितना शाइन कर रहा है। मैंने चेहरे में कुछ भी नहीं लगाया है एंड रिजल्ट सभी मिल गए मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, थैंक यू।